हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं देखो दिखाने जा रहा हूँ आपको ये लिक्विड से स्टैम्प कैसे बनते हैं। ये लिक्विड से देखिए हार्ड रबर स्टैम्प बन जाएगा। ये देखिए ऐसा लिक्विड से ये रबर स्टैम्प ऐसे कैसे बन जाते हैं ना, इसकी पूरी वीडियो दिखाऊंगा। इसमें क्या क्या मटेरियल लगता है, क्या क्या आपको मशीन की जरूरत पड़ती है, पूरा आपको दिखाता हूँ। ओके फ्रेंड, क्या क्या लगेगा? एक कंप्यूटर लगेगा, ये ऐसा LCD लगता है, और एक ये लेजर प्रिंटर है, ये लगेगा आपको। ओके, और उसमें ना आपका ऐसा ट्रेसिंग पेपर रहेगा जो अभी प्रिंट में आएगा। देखिए ये वाला ट्रेसिंग पेपर, ऐसा बटर पेपर बोलते हैं इसको। ये देखिए ऐसा प्रिंट आता है स्टैम्प का, ये आपको ऐसा आएगा। ओके, ये देखिए एक मैसेज आया है व्हाट्सएप पे, इनका ये नीचे आया ही नहीं है। तो ये सब सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, ये क्यों नहीं आता है, ये सब क्यों ऐसा कट जाता है इनका। देखिए क्या हुआ है, ये जो पेपर है ना जिलेटिन रोल पेपर, ये देखिए हिला हुआ है। इसके लिए ये सब जो प्रॉब्लम आता है ना, अब ध्यान से देखो, ये सब जो आया हुआ जिलेटिन रोल पेपर हिल गया है जो पानी से चिपकाते हैं। ठीक है, तो ये सब पे आपको ध्यान देना है। ये देखिए इधर का लिक्विड ही कुछ आया ही नहीं है, क्योंकि वो जिलेटिन रोल पेपर की वजह से इधर लिक्विड जमा ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ये सब मैं दिखाऊंगा, ये सब मुझे आ जाए व्हाट्सएप, उनको मैं सोल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, तो अभी अपन चलते हैं कि DTP कैसे करते हैं से स्टार्टिंग। अभी मेरे पास ऑलरेडी 2 स्टैम्प का DTP किया हुआ है। ठीक है, और एक स्टैम्प का समझो और कुछ भी टाइप कर लेते हैं। तो आपको समझो पहले क्या करना है, कुछ भी टाइप कर लेना है जो भी हो, समझो डुप्लीकेट ऐसा, ये जेरोक्स या फोटोकॉपी के पेपर पर मारने के लिए बनता है। तो आपने क्या कर लिया, एरियल को फॉन्ट दे दिया 12 आपने दे दिया, या तो यहाँ से क्या कर लो, बोल्ड कर लो थोड़ा, ये बड़ा दिखना चाहिए, अगर कोई बोलता है छोटा दिखना चाहिए, उसमें छोटा साइज रहे तो 38x ऐसा एक साइज दे दिया। ठीक है, और नीचे ऐसा रख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसा बॉक्स लेना है। अभी कल भी एक फ़ोन आया था, उनको इन्वर्ट नहीं हो रहा था, तो क्या लोग ध्यान से सुनते नहीं है। आपको एक से सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको राइट क्लिक करके पेस्ट करना है, इसमें राइट क्लिक करके। आप यही नहीं सुनते कि डायरेक्ट पेस्ट करोगे तो इन्वर्ट नहीं होगा, ये देखो। उसके बाद क्या करना है, इफेक्ट में जाके इन्वर्ट करना है, तभी इन्वर्ट होता है, वाइट होता है। ओके फ्रेंड, अभी हम इसका प्रिंट ले लेंगे। आपको एरो की से पूरा सेलेक्ट करना है, अगर आपको दोनों प्रिंट चाहिए तो सिलेक्शन पे क्लिक करना है, प्रिंट प्रीव्यू में जाके यहाँ पे देखना है, उसके बाद आपको सीधा प्रिंट दे देना है। तो आपको क्या हो गया, इसके लिए ज़रूरत क्या क्या हो गया वो तो आपको पता है। अभी ये लेजर पेपर से ऐसा प्रिंट आ जाएगा, ये देखिए प्रिंट आ गया। अभी इसको फटाफट ब्लैक कैसे करते हैं वो बना लेते हैं। ब्लैक करना है, ये देखो यहाँ से ऐसा प्रिंट इन्हांसर का आपको स्प्रे मार लेना है। ये देखो कैसा लाइव हुई है ना, आपको जैसे सूखते जाएगा ना ब्लैक होता जाएगा, ये देखो पूरा ब्लैक हो गया। ओके फ्रेंड, फिर आपको क्या करना है ना, ऐसा कट कर लेना है चारों साइड से, जो व्हाइट है वो सब निकाल देना है। अभी जो ये राउंड स्टैम्प है ना, ये आपको इसमें बन रहा है, इसमें ट्रोडेट, ठीक है 3642, उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, तो इसमें नहीं चिपकाना है, वो कस्टमर के पास है, उसके पास ही देना है। ओके, तो आपको ये दिखाता हूँ, इसको क्लियरिटी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अब ये अच्छा बनाएंगे तभी इसमें अच्छा आएगा। अब ऐसा मत सोचो कि ये अच्छा है ट्रोडेट, तो आप कैसा भी रबर बना के दे दो तो वो इम्प्रेशन अच्छा आएगा, नो। अगर आप इसका इम्प्रेशन अच्छा बनाओगे तो ही इसमें डालोगे तो इम्प्रेशन अच्छा आएगा। ओके फ्रेंड, अभी देखो ऐसा मुड़ गया, तो आप ऐसा रखेंगे या ऊपर से तो ये पूरा ख़राब हो जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है ना, इसको ऐसा करके फोल्ड करेंगे ना, थोड़ा सीधा हो जाएगा ये। ओके, देखो ये सीधा हो गया। अब हम इसके ऊपर जिलेटिन रोल डालते हैं, साइड से आपको थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है, और इससे आपको ये जो आपका निगेटिव है ना उसको पानी से दूर रखना है। ये देखो ऐसे चिपक जाएगा, अगर उस पर पानी लगा तो आपका स्टैम्प खराब हो जाएगा। ओके फ्रेंड, फिर एक कोई भी कॉटन कपड़े से इसको पानी से दूर करना है, पानी को, तो जो बबल्स है सब निकल जाएगा। एकदम ईजी है रबर स्टैम्प, कोई भी बना सकता है, बस आपको एक दो बार प्रॉब्लम होगा फिर आप मास्टर बन जाओगे, फिर आप दूसरे को ऐसे यूट्यूब पे ट्रेनिंग देना, तो एकदम ईजी है। ओके, ये देखो चिपक गया, अभी हम बॉर्डर टेप मारेंगे। तो क्या करना है ना, ऐसा बॉर्डर टेप को चारों साइड, हमने क्या किया हुआ है वो बीच से भी कट कर दिया है इसको, और इसको ऐसा
चिपका देना है आपको। अभी जो उनका प्रॉब्लम था क्या, इसका ही प्रॉब्लम था, जिलेटिन रोल हिला हुआ था, इसके लिए वो सब प्रॉब्लम उनको आया था। अभी जो मैं व्हाट्सअप आया हुआ दिखाया, ऐसा हमको रोज आते हैं 10-20 व्हाट्सअप, 50 व्हाट्सअप डेली आते हैं, सबको उनको सॉर्ट आउट करता हूँ मैं। किनका कॉल आता है उनको भी सॉर्ट आउट करता। अभी आपको थोड़ा सा लिक्विड डालना है क्योंकि स्टैम्प थोड़ा सा ही है, तो आपको ऐसा नहीं कि ज़्यादा डालना है, थोड़ा ही डालना है, फिर वो अपने आप लिक्विड फैलेगा। आपको बैकशीट डालना है, बैकशीट में क्या, एक रफ साइड होता है, एक ग्लोसी होता है, तो चिकना वाला साइड जो ग्लोसी साइड है वो ऊपर रखना है, रफ साइड लिक्विड पे जाएगा, क्योंकि चिकना वाले साइड पे लिक्विड चिपकेगा नहीं, इसके लिए ये रफ में लिक्विड चिपकेगा, पकड़ेगा इसको, इधर से डाल देंगे तो लिक्विड छोड़ देगा बस, और कोई गुजरा गेम नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि इस पर लिक्विड चिपकेगा। और ये छोटा है तो आपको चारों साइड भरने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऊपर से ना ऐसा डाल दो, सिर्फ थोड़ा प्रेस करके डालना कि जो इधर उधर नहीं भी फैला है ना, उधर उधर वो फैल जाए बस। उसके बाद करते हैं क्या, हम दोनों साइड पैकिंग डालते हैं क्योंकि स्टैम्प में डीप आए, और उसके बाद क्या करना है, कांच रख देना है। ओके फ्रेंड, और उसके बाद आपको टाइम दे देना है। अभी देखो ये इसमें ना तीन 35 टाइम देना है, ये अपर है ये नीचे का है, तो हम क्या करेंगे 38 दे देते हैं, 37 या 38 समझो, 38। अभी हम क्या करेंगे ना, तीन के बाद ये ऊपर का लाइट अप ये डाउन है, नीचे का लाइट है ये ऊपर का लाइट है, तो ऊपर का तीन देंगे, ये स्टार्ट किए और देखो 35 पे ये बंद कर देंगे, ये बंद हो गया, ये अभी चालू है। ओके फ्रेंड, ये देखिए टाइम पूरा हो गया। अभी ये कांच हटा लेना आपको, ये हटा लो, ये निकालो। अब प्रोडक्ट में अच्छा कब आएगा, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि अगर आप अच्छा बनाओगे, ये दोबारा यूज कर सकते हो आप, रख देने का। आपको यहाँ से ऐसा, ये देखो कितना खूबसूरत बना है, ठीक है। अभी अपन इसका लिक्विड निकाल लेते हैं, ये इसके बाद इसका लिक्विड भी निकाल लेना है आपको। इसको टाइम थोड़ा और कम भी देते ना चल जाता, ये देखो, लेकिन थोड़ा हार्ड बनता है तो अच्छा रहता है, लेकिन समझो ये दो भी देते ना 2 और 30, एक आज वीडियो में बनाऊंगा 2:30 पे, लाइव बनाऊंगा, लाइव जाऊंगा मैं सैटरडे को, शनिवार को आप देखना दोपहर में, तो हम लाइव जाएंगे और उसको 2:30 पे बनाएंगे सामने सामने, तो आपको दिखेगा लाइव में तो पूरा दिखता है ना, ऐसा तो आपको लग रहा होगा एडिट किया, क्या टाइम दिया, क्या कट किया। क्या करना है, शैम्पू से या कोई भी डिशवाश से ना घस लेना है, जो क्लियरिटी चाहिए ना तो आपको घसना पड़ेगा इसको, क्योंकि ऊपर जो भी लिक्विड रहे ना वो निकल जाए, थोड़ा सा ऐसा घस लेना, थोड़ा सा बैक साइड में, क्योंकि इधर ही चिपक जाता है इसमें, तो ये भी अपने को चिपकाना रहता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा फिर से पानी से बराबर इसको धो लेने का, फिर वापस ये देखो पीछे भी चमक गया, तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए ये जो है ना इसमें पानी थोड़ा कम गया है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा पानी डाल देना है कुछ दिन पे, क्योंकि बार बार ये नहीं डालना है, पानी डालते रहना है, बार बार पाउडर नहीं डालना है, ये चलता है बहुत दिन। ओके फ्रेंड, देखिए हाइपो के पानी से मैंने निकाल लिया। अभी ये जो है ना, ये देखिए पीछे भी चमक रहा है, इसको ड्रेसिंग पे चिपकाना रहेगा आपको, और आगे भी एक स्टैम्प आपको मार के दिखाऊंगा मैं, ये देखिए इसके अंदर ये था, ये दिखाइए जरा बढ़िया से, ये वाला, ये देखिए कैसा था, ये ऐसा स्टैम्प था, पैच था, पैच पे लेटर है। ओके, ये बनाया है, तो ये प्रोडक्ट में देना है कस्टमर को, तो लेकिन जब हम अच्छा रबर बनाएंगे ना तभी ये ऐसा आएगा, ये जो है कितना अच्छा, देखिए इतना पतला लेटर फिर भी आया है पूरा। ओके, स्टैम्प मार के नहीं दिखा सकता आपको, इसलिए मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि इसका भी कॉपीराइट रहेगा तो ये नहीं दिखा सकता। ओके फ्रेंड, ये जो है टिश्यू टेप है ये वाला, ये दोनों साइड से लिया ट्रेसिंग पेपर पे, और आपको ऐसा एक वर्ड पकड़ के लेंगे ना तो एकदम एग्जैक्ट आ जाता है, आपको सेम टू सेम ऐसा रख देना है। ओके फ्रेंड, फिर क्या करना है, कैंची लगेगा आपको, स्टैम्प बनाने के लिए कैंची मस्ट है, इसके बिना स्टैम्प नहीं बना सकते, ये है, ये भी नहीं दिखा सकते आपको और ये भी नहीं दिखा सकते, एक डुप्लीकेट जो स्टैम्प है ना वो आपको
दिखाता हूँ, ये स्टैम्प मार के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ऐसा एक्रेलिक माउंट पे, सब बोलते हैं कि एक्रेलिक माउंट के, तो ये थोड़ा महंगा पड़ता है आपको, 6 रुपये 5 रुपये पड़ता है एक पीस, ठीक है। अब ये देखिए ऐसा स्टैम्प है, ये इतना क्लियरिटी आता है, ये देखो। ओके फ्रेंड, तो आप भी बनाओ ऐसा, कुछ रहे तो मुझे कमेंट पर डालो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और एकदम ईजी है स्टैम्प बनाना, रबर का स्टैम्प बनाना एकदम ईजी है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।